The Tatas have invaded our country. कि टाटास ने हमारे देश पर अटैक कर दिया, इन्वेडिंग मींस अटैक कर दिया। इन्वेडर्स मींस मैंने आपको बताया था अटैकर्स, यानी आक्रमण करने वाले को क्या कहते हैं, अटैकर्स, इन्वेडर, ठीक है, इन्वेडर मींस अटैकर। तो ऐसे इन्वेड मींस अटैक, इन्वेड करना यानी अटैक करना। सॉरी, यू अलोन कैन डिफेंड, और तुम अकेले ऐसे इंसान हो जो इससे हमारी रक्षा कर सकते हो। सेटअप इंग्लैंड ने कहा, डियर लीडर इज अ वियर्ड गेस्ट यू नेम सोरा, सॉरी, और उनका जो लीडर है वो वियर्ड गेस्ट एक युवा जिसका नाम सोरा है, हूज एम्बिशन इज टू फाइट एंड डिफीट यू, और उसकी इच्छा है कि वो आपसे युद्ध करे और आपको हराए। ऑन रिसीविंग द किंग्स मैसेज, राजा के संदेश को प्राप्त करते ही रुस्तम हरी बैग टू द कैपिटल, रुस्तम शीघ्र ही कैपिटल वापस आ गए, यानी पर्शिया वापस आ गए। नाउ आई टर्न माय पेज, ओके, एट पेज नंबर 60, बट आई एम टू ओल्ड टू फाइट दिस यू, सॉरी, सैड रुस्तम, रुस्तम ने कहा, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं किसी युवक से युद्ध नहीं कर सकता। Anyway, the aged champion agrees to go to face the challenger. लेकिन फिर भी किसी प्रकार से वो उम्र दराज चैंपियन राजी हो गया to go to face the challenger, चैलेंजर को उसका सामना करने के लिए, as a page soldier, एक सामान्य सिपाही की तरह, and रुस्तम rode to the battlefield, और रुस्तम घोड़े पे सवार होकर के युद्ध के मैदान में चला गया। He waved that the brave Tatars who had been his own son. वो मतलब उसने विश किया था, उसने कामना की थी कि वो बहादुर टाटार युवा जिसने वहां पर अटैक किया है, तो काश वो उसका अपना ही बेटा हो। He felt deep pity for the youth. उसने उस युवक के लिए बहुत दया महसूस की। When they met, जब वो मिले, He whispered to him to leave the Tatar army. उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, और वो क्या बोला, whispered means कुछ धीमे से कहना, बहुत धीमी आवाज में कुछ कहना, कानों में कुछ कहना, और क्या कहा था उसने, to leave the Tatar army, कि वो टाटा की सेना को छोड़ दे, and come to Persia, और Persia आ जाए, and be as a son to him, और उसका बेटा बनकर रहे। So now I see Are you not Rustam? So Rav ने बड़ी उत्सुकतावश पूछा, क्या आप रुस्तम नहीं हो? इसकी बोलो, Are you not he? क्या तुम वो नहीं हो? Rustam thought that the young challenger was trying to be clever. रुस्तम ने सोचा कि वो जो युवक चैलेंजर था, अब वो चला करने की कोशिश कर रहा है। Perhaps on knowing the truth, शायद, perhaps means शायद, सत्य जान करके, he might withdraw from the fight. शायद वो युद्ध के मैदान को छोड़ देगा। So Rustam evaded the answer. इसलिए Rustam ने उसका आंसर नहीं दिया, उसको evaded कर दिया। Evaded यानी avoid कर दिया, ignore कर देना। Evaded means avoid. Okay students. So now I will explain the concluding paragraphs of this chapter in my next video.